मित्रों, हिंदू समाज कर्म प्रधान है। आप किस वर्ण में जन्मे हैं, इससे अधिक इस बात का महत्व है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। भगवान परशुराम जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करते हुए क्षत्रिय बन जाते हैं। जब भीष्म, द्रोण व कर्ण को शिक्षा देते हैं, तब वे पुनः ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं। वहीं जब सहस्त्रबाहु और उनके साथियों से इस पृथ्वी को मुक्त करते हैं, तब पुनः क्षत्रिय धर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। और भविष्य में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होंगे, तब वे उनके गुरु बनकर एक बार फिर से ब्राह्मण धर्म का पालन करेंगे। तो भगवान परशुराम ने अपने जीवन चरित्र से सनातनियों को यही संदेश दिया कि समाज को आपके जिस कर्म की जब आवश्यकता है, उस कर्म की ओर अग्रसर हो जाओ। लेकिन हिंदू समाज के शत्रुओं ने हिंदू समाज में फूट डालने के लिए पहले तो हिंदुओं पर जाति व्यवस्था थोपी और फिर हिंदू धर्म ग्रंथों एवं हिंदू देवी देवताओं की झूठी व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें हिंदू भी फंसते चले गए। क्योंकि मलेच्छ भगवान परशुराम को स्पेसिफिकली ब्राह्मण बताकर ब्राह्मणों को क्षत्रियों के विरोध में खड़ा करते हैं, और भगवान परशुराम ने जिनका संहार किया उनको क्षत्रिय बताकर क्षत्रियों को ब्राह्मणों के खिलाफ ले आते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं दो तथ्य आपके सामने रखूंगा। पहला कि भगवान परशुराम स्वयं ही क्षत्रिय हैं, और दूसरा उन्होंने जिनका नाश किया वे असल में क्षत्रिय नहीं थे। तो मित्रों, स्वागत है आपका सप्तऋषि श्रृंखला के एक और वीडियो में। आज हम सप्तऋषि जमदग्नि एवं उनके पुत्र भगवान परशुराम के विषय में बात करेंगे। मित्रों, भगवान परशुराम के जन्म की कथा उनके पिता ऋषि जमदग्नि के जन्म के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए पहले उसको जानना आवश्यक है। ऋषि जमदग्नि का महाभारत और पुराणों में सप्तऋषि के रूप में उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार वर्तमान मनु व्यवस्वत के मनवंतर में जमदग्नि भी सप्तऋषियों में से एक है। ऋषि जमदग्नि के जन्म को लेकर श्री विष्णु पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि भृगु हुए। उनके पुत्र ऋचिक ने चंद्रवंशी कन्या एवं महाराज गादी की इकलौती पुत्री सत्यवती से विवाह किया था। सत्यवती के विवाह के पश्चात महाराज गादी बहुत अकेले हो गए, और उनका कोई पुत्र नहीं होने के कारण राजकुल समाप्त हो जाएगा, इस भय से परेशान रहने लगे। तब सत्यवती की माता ने अपने जवाई ऋषि ऋचिक से पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु यज्ञ करने की प्रार्थना की। तब ऋषि ऋचिक ने यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद खीर के दो चरु तैयार किए। एक चरु में उन्होंने क्षत्रिय श्रेष्ठ की उत्पत्ति के लिए संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया, तथा दूसरे चरु में ब्राह्मण श्रेष्ठ की उत्पत्ति के लिए ज्ञान, शांति, तितिक्षा आदि गुणों का समावेश किया। ऋचिक ने ब्राह्मण पुत्र वाला चरु सत्यवती को उपयोग करने हेतु कहा, और क्षत्रिय पुत्र वाला चरु अपनी सासू माँ को उपयोग करने हेतु कहा। लेकिन चरु का उपयोग करते समय सत्यवती और उसकी माता ने अपने अपने चरु बदल लिए। जब इस बात का पता ऋषि ऋचिक को लगा तो उन्होंने सत्यवती पर बहुत क्रोध किया, और बताया कि गलत चरु का उपयोग करने से अब हमारा पुत्र ब्राह्मण गुणों से विपरीत क्षत्रिय के समान आचरण करने वाला होगा, और तुम्हारा भाई जो जन्म लेगा वह क्षत्रिय गुणों से विपरीत ब्राह्मण के समान आचरण करने वाला होगा। इतना सुनते ही सत्यवती ने ऋचिक के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगते हुए बहुत प्रार्थना की। तब ऋचिक ने कहा कि ठीक है, पुत्र तो ऐसा नहीं होगा, किंतु पौत्र अवश्य ही ऐसा होगा। इस प्रकार महाराज गादी को जो पुत्र प्राप्त हुआ वह क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण गुणों वाला था। उनको हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। और ऋषि ऋचिक और सत्यवती को जो पुत्र प्राप्त हुआ उनका नाम जमदग्नि है। जमदग्नि ने इश्वाकु कुल की कन्या रेणुका से विवाह किया। सत्यवती की चरु बदल लेने की भूल के चलते जमदग्नि और रेणुका को ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र प्राप्त हुआ, जिनको हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। परशुराम जी का मूल नाम राम ही था, किंतु जब उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त परशु को धारण किया तब से वे परशुराम कहे गए। मित्रों, भगवान परशुराम स्पष्ट रूप से ब्राह्मण ही जन्मे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके कर्म क्षत्रियों वाले थे। और हिंदू धर्म चूंकि कर्म प्रधान है, इसलिए ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि भगवान परशुराम क्षत्रिय भी थे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कथा सुनते हैं। महर्षि जमदग्नि क्षमा, कार्य तत्परता एवं अतिथि सत्कार के गुणी थे। वे समस्त मानव जाति के लिए आदर्श थे। एक बार प्राचीन माहिष्मती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन
जो कि उस समय क्षत्रियों का अधिपति था, वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। जमदग्नि ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और उनके आश्रम में उपलब्ध कामधेनु गौ के प्रभाव से उनको एवं उनकी सेना को तृप्त किया। वैसे तो सहस्त्र अर्जुन बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन उस दिन कामधेनु गौ का प्रताप देखकर उसके मन में लालच आ गया और वह जबरदस्ती गौ को अपने साथ लेकर चला गया। जब इस बात का पता भगवान परशुराम को चला तो उन्होंने सहस्त्र अर्जुन से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। तब पुत्र परशुराम के इस कृत्य से जमदग्नि बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हे महाबहो परशुराम, तुमने राजा का वध करके अच्छा नहीं किया। ऐसे समय ब्राह्मणों का सबसे बड़ा धर्म क्षमा करना है। क्षमा के कारण ही ब्राह्मण पूज्य हैं। अब यहाँ गौर करिए कि जमदग्नि कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा धर्म क्षमा है, लेकिन परशुराम उस समय क्षमा धर्म का पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस समय क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, क्षत्रिय जीवन ही जी रहे हैं। चलिए एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका नदी से जल लाने गई थी। वहां गंधर्व गंधर्विणी विहार कर रहे थे। तब रेणुका उनको देखने में लीन हो गई, इसी कारण उनको आश्रम लौटने में बहुत देरी हो गई। जब जमदग्नि ऋषि ने पत्नी की देरी का कारण जाना तो उनको बहुत क्रोध आया, क्योंकि पर स्त्री पुरुष की रति को देखना महापाप है। तब ऋषि जमदग्नि ने उनको दंड देने के लिए अपने सभी पुत्रों को बुलाकर आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दे, लेकिन ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले सभी पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया, सिवाय पुत्र परशुराम के। अंत में पिता ने परशुराम को आज्ञा दी कि वे सातों भाइयों सहित अपनी माता का वध कर दे, और परशुराम ने ऐसा ही किया। तो इस कथा से भी यही सिद्ध होता है कि उस समय परशुराम क्षत्रिय जीवन ही जी रहे थे। बाद में जमदग्नि ने परशुराम से वर मांगने को कहा। तब भगवान परशुराम ने कहा कि मेरे सभी भाई और माता पुनर्जीवित हो जाए और उन्हें यह भी ज्ञात ना हो कि ऐसा कुछ हुआ था। जमदग्नि इस पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और परशुराम के सभी वर मान लिए गए, साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का नया वरदान भी दिया। इस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन चिरंजीवी महात्माओं का नाम है उनमें एक भगवान परशुराम भी हैं। अच्छा, भगवान परशुराम जिस प्रकार से रहते थे, जैसा दिखते थे, वस्त्र आदि पहनते थे, जिस प्रकार से उनकी भाषा बोली थी, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि वे क्षत्रिय थे। वाल्मीकि रामायण में भगवान परशुराम के लिए लिखा गया है कि वे बड़े भयानक दिखाई देते थे। उनके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कलाग्नि के समान दुसह प्रतीत होते थे। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव की तरह जान पड़ते थे। ध्यान दीजिएगा, उस समय ऐसा भेष ऋषि मुनि ब्राह्मणों का नहीं होता था। खैर, इतना जान लेने के बाद अब भगवान परशुराम द्वारा पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने वाली बात पर भी स्पष्टता करते हैं। तो इस विषय को समझने के लिए भी पहले ऋषि जमदग्नि की इस मृत्यु वाली कथा को जानना आवश्यक है। तो परशुराम जी ने जिस सहस्त्र अर्जुन का वध किया था, उसके पुत्रों ने प्रतिशोधवश भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के विषय में आपको बता दूं कि उस समय वे इतने बड़े प्रतापी राजा थे कि लगभग पूरी पृथ्वी पर उनका ही शासन हुआ करता था। वे शुरुआत में तो धर्म परायण ही थे, किंतु भगवान दत्तात्रेय से वरदान में 1000 भुजाएं प्राप्त होने के बाद वे धर्म पथ से भटक गए थे। उन सहस्त्र अर्जुन के साथ 21 अन्य बड़े सामंती राजा भी हुआ करते थे। सहस्त्र अर्जुन को देख कर वे भी धर्म से विमुख हो चुके थे और उनके दुराचारों से प्रजा परेशान हो चुकी थी। ऋषि जमदग्नि की हत्या के बाद जब इन सभी राजाओं के विषय में भगवान परशुराम को ज्ञात हुआ तो उन्होंने इस भूमंडल को 21 दुराचारी धर्म से विमुख हो गए और अधर्म का साथ देने वाले राजाओं से मुक्त करने का प्रण लिया और पहले सहस्त्र अर्जुन के पुत्र और पौत्रों का वध कर दिया और बाद में एक एक करके उन सभी 21 दुराचारी राजाओं का भी वध कर दिया। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान परशुराम 1% भी क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, ना उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। वे केवल उनके विरोधी थे जो मानवता और शांति के विरोधी थे। भगवान परशुराम ने जिनका नाश किया वे अधर्मी थे। बल्कि भगवान परशुराम के विषय में पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने पृथ्वी सर्वथा क्षत्रिय रहित ना हो जाए, इस अभिप्राय से 21 राजाओं की तमाम जीती हुई भूमि ऋषि कश्यप को दान में दे दी और स्वयं दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए।
चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ। महाभारत में मुख्य रूप से क्षत्रिय ही आमने सामने लड़ रहे थे। अर्जुन और समस्त पांडव अपने क्षत्रिय भाइयों का ही वध कर रहे थे, तो क्या अर्जुन पांडव सभी क्षत्रियों के हत्यारे हो गए? अर्जुन को युद्ध हेतु तैयार करने वाले कृष्ण थे, तो क्या कृष्ण भी क्षत्रियों के हत्यारे हो गए? इसका अर्थ तो यह है कि आप धर्म, अधर्म, कर्म, नीति, नियम इत्यादि हिंदू धर्म के स्तंभों को समझते ही नहीं है। परशुराम जी को हम भगवान कहते हैं, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म में किसी हत्यारे को भगवान कहा जाएगा? क्या आपको लगता है कि इस देश के ऋषि मुनि, आर्य आचार्य, शंकराचार्य इतने नासमझ है कि एक ऐसे व्यक्ति को भगवान कहेंगे कि जो एक हत्यारा हो? दरअसल पिछले 1000 वर्षों से निरंतर हिंदू धर्म को बदनाम करने और हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि दूसरे रिलीजन और मजहबों में हत्यारे ही उनके गॉड हैं। इसलिए उन लोगों का प्रयास रहता है कि हिंदू धर्म के भगवानों को भी वैसा ही बताओ, ताकि एक लेवल हो जाए और फिर वे हिंदुओं को कन्वर्ट करने में सफल हो सके। बहुत हद तक वे लोग सफल भी हुए हैं, किंतु आज अब इंटरनेट के युग में उनका झूठ हर जगह से एक्सपोज हो रहा है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। शास्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि की कामधेनु को चुराया, जो कि एक धर्म विरुद्ध कार्य था। भगवान परशुराम ने शास्त्रार्जुन को उसके अधर्म का दंड दिया। वे कौन से एंगल से क्षत्रियों के हत्यारे हो गए, बताए कोई? अधर्म का साथ देने वाले शास्त्रार्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। तब भगवान परशुराम ने पुत्र धर्म निभाते हुए अधर्मियों का संहार किया। वे कैसे क्षत्रियों के हत्यारे हो गए, बताए कोई? और जिन जिन लोगों ने शास्त्रार्जुन और उसके पुत्रों की अधर्मी प्रवृत्ति का साथ दिया, भगवान परशुराम ने उन सभी को भी वही दंड दिया। वे कैसे क्षत्रियों के हत्यारे हो गए, बताए कोई? असल में तो भगवान परशुराम ही सबसे बड़े क्षत्रिय हुए, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन अधर्मियों का नाश करके क्षत्रिय धर्म का पालन किया। यदि वे क्षत्रियों के हत्यारे होते तो भगवान राम का सूर्यवंश कैसे अस्तित्व में आता? कैसे चंद्रवंश अस्तित्व में आता? क्या एक भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि भगवान परशुराम ने दशरथ अथवा भगवान राम के किसी पूर्वज की हत्या की हो या युद्ध भी किया हो? नहीं। और भगवान परशुराम तो चिरंजीवी हैं। यदि वे क्षत्रियों के हत्यारे होते और क्षत्रियों से इतनी घृणा करते, तो आज पृथ्वी पर इतने क्षत्रिय कैसे हो पाते? तो कुल मिलाकर ज्ञात होता है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के हत्यारे नहीं, बल्कि क्षत्रिय धर्म के पालक हैं। वे स्वयं क्षत्रिय हैं। वे हिंदुओं को बहुत स्पष्ट संदेश दे गए हैं कि धर्म से विमुख हो गए, धर्म विरोधी हो गए, अधर्मी हो गए, लोगों के साथ क्या करना है, भले ही वे आपके अपने ही क्यों ना हो, यही क्षत्रिय धर्म है। गीता में यही बात श्री कृष्ण भी दोहराते हैं। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सर्कल में फॉरवर्ड कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।